हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल एट होम. टुडे वी हैव डिस्कस्ड योर चैप्टर सेकंड एंड प्लीज कंप्लीट इट्स क्वेश्चन आंसर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक. होप यू ऑल आर एंजॉयिंग that videos. So let's start this chapter. The brave woman, the wise and the brave woman. अब हम सब जानते हैं कि ब्रेव तो हमारी सोसाइटी में बताया जाता है कि सिर्फ मैन ही हो सकते हैं, वुमेन नहीं. लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वुमेन जो है वो बहादुर है, बहुत बहादुर है. वो कैसे है हम पढ़ेंगे. बहुत ही आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हम पढ़ेंगे इसे तो हमें पता लगेगा कि वुमेन कैसे बहादुर हैं, अपने दिमाग का यूज़ करती है वो. सो थर्ड चैप्टर इज़ द ब्रेव वुमेन. लॉन्ग अगो there lived a certain village, a farmer whose wife was very brave, wise as well as brave. बहुत साल पहले एक गांव में एक किसान रहता था जिसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही वाइज एंड ब्रेव थी, बहादुर थी. हिज फील्ड वॉर नियर अ फॉरेस्ट. उसके जो फील्ड हैं, उसके जो खेत हैं, वो किसके पास थे? फॉरेस्ट के, जंगल के पास थे. वन डे व्हेन ही वॉज प्लॉइंग अ फील्ड, अ टाइगर कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड सैट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू. एक दिन क्या हुआ कि एक टाइगर जो है जंगल में से एक दिन क्या है कि वो किसान अपने खेत को की बुआई कर रहा था. प्लॉइंग होता है बुआई करना, जोतना, खेत की जुताई कर रहा था, वो खेतों को जोत रहा था. एक टाइगर आया उसके खेत में. उसने कहा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू. कहता, दोस्त गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो. ट्रैम्बलिंग विद फियर द फार्मर सैड, गुड मॉर्निंग सर, आई एम क्वाइट वेल, थैंक यू. उसने कहा, फार्मर ने कंपाते हुए कंपी आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं ठीक हूँ, थैंक यू. आई एम ग्लैड टू हेयर इट, सैड द टाइगर. टाइगर ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को सुनकर. बिकॉज गॉड हैज सेंट मी टू ईट योर टू ऑक्शन, सो मेक हास्टल एंड अनयोक दम. उसने कहा, मुझे खुशी हुई ये सुनकर. तो उसने कहा, क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हारे दोनों ऑक्शन जो बैल हैं उनको खाने के लिए. सो तुम उन्हें अपने जो हल में जोत रखा है वहाँ से उनको फ्री कर दो, अनयोक कर दो. सर, सेड द फार्मर. फार्मर ने क्या कहा, सर यू आर श्योर, यू आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक. गॉड हैज सेंट मी टू प्लाउ दिस फील्ड एंड इन ऑर्डर टू प्लाइंग वन मस्ट हैव ऑक्शन. फार्मर ने क्या कहा कि क्या आप श्योर हैं, आपको ये पूरा अच्छी तरह से पता है कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे ये खेत जोतने के लिए भेजा है और आप जानते हैं कि खेत जोतने के लिए ऑक्शन का होना ज़रूरी है. एक किसी भी किसान के पास खेत जोतने के लिए ऑक्शन या बैलों की जोड़ी होनी ज़रूरी है. डोंट आर्ग्यू विद मी, ग्रोल्ड द टाइगर. टाइगर ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, मुझसे बहस मत करो. अनयोक दम एट वंस और आई विल किल यू योर फर्स्ट. टाइगर ने कहा कि उनको फ्री कर दो, उनको अपने जोत हल से बाहर कर दो एक बार में ही, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, तुम्हें मार डालूँगा. प्लीज़ सर, हैव पिटी ऑन मी. फार्मर ने क्या कहा, सर कृपया मुझ पर दया दिखाइए. एंड स्पेयर माई ऑक्शन, आई हैव अ फाइन फैट को एट होम. उसने कहा, प्लीज़ मेरे
ऑक्शन को बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए और मेरे पास मेरे घर पर एक फुल फैट अच्छी फली फुली ताजी फैट फुल फैट होती है बड़ी अच्छी गाय है। यूल फाइंड हर टेस्टियर देन दीज वीक ऑक्शन। उसने कहा कि तुम उसे उसका टेस्ट अच्छा होगा बजाय इन वीक ऑक्शन कमज़ोर बैलों के। जस्ट गिव मी हाफ एन आवर एंड आई विल ब्रिंग हर टू यू। उसने कहा मुझे सिर्फ आधा घंटा दो, मैं उनके उन उस गाय को लेकर तुम्हारे सामने आता हूँ। द टाइगर एग्री टेकिंग द ऑक्शन विद हिम। फार्मर सैडली वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ एवरीथिंग। टाइगर जो है एग्री हो गया उसकी बात पर और ऑक्शन को छोड़ के क्या फार्मर उदासी में अपने घर की तरफ गया और अपनी वाइफ को सब कुछ बताया। आई वुड नॉट लेट यू टेक अवे माई काउ, सेड द वाइफ एंगरली। कहा कि मैं तुम्हें मेरी गाय नहीं ले जाने दूंगी। वाह, उसकी वाइफ ने गुस्से में कहा। वेयर यू विल द चिल्ड्रन गेट मिल्क इफ यू लूज हर। उसने कहा कि अगर हम उसे खो देंगे गाय को तो हमारे बच्चे दूध कहाँ से लेंगे, दूध कहाँ से लेंगे। एंड हाउ शैल आई कुक फूड विदाउट बटर। उसने कहा कि मैं फूड के बिना बटर सॉरी बटर के बिना फूड कैसे बनाऊंगी, खाना कैसे बनाऊंगी मक्खन के बिना। ऑल वेरी फाइन वाइफ रिप्लाइड द फार्मर। फार्मर ने कहा कि हाँ सब ठीक है, ये सब ठीक है, बट हाउ कैन वी मेक ब्रेड विदाउट कॉर्न। उसने कहा कि हम अपनी रोटियाँ बिना मकई बिना अनाज के कैसे बना सकते हैं। एंड हाउ कैन यू हैव कॉर्न विदाउट ऑक्सन टू प्लाइंग द फील्ड। उसने कहा कि अनाज जो है बिना प्लाउ किए बैल जो है प्लाउ करते हैं उनके बिना कैसे अनाज उगेगा। बटर एंड मिल्क आर वेरी नाइस। बटर एंड मिल्क बहुत अच्छे हैं बट इट इज़ बेटर टू डू विदाउट देम देन विदाउट ब्रेड। उसने कहा कि बटर एंड मिल्क अच्छे हैं लेकिन उनके बिना रहना अच्छा है बजाय कि रोटी के, क्योंकि खाने के बिना तो नहीं रह सकते। इफ़ यू हैड इवन अ लिटल सेंस इन योर ब्रेन यू वुड थिंक ऑफ सम प्लान टू गेट आउट ऑफ द प्लाइट, सैड द वाइफ। उसकी पत्नी ने कहा, वाइफ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ब्रेन है यू वुड थिंक अगर तुम्हें कोई भी प्लान बनाना चाहिए उससे इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, कि उस शेर से छुटकारा पाने के लिए। Why don't you do so yourself if you are so wise? said the farmer angrily. Farmer ने गुस्से में कहा कि अगर तुम प्लान बना सकते हैं उसके खिलाफ तो तुम क्यों नहीं बना लेते प्लान। Very well, replied the wife. But if I do the thinking, you must obey order, go order. उसकी पत्नी ने कहा ठीक है मैं बना लेती हूँ प्लान लेकिन मैं जैसा कहूँगी वैसा तुम्हें करना होगा। गो बैक टू द टाइगर एंड टेल हिम दैट योर वाइफ इज़ ब्रिंगिंग द काउ। तो उसने कहा कि जाओ टाइगर के पास जाओ वापस और उसको बोल दो कि मेरी वाइफ जो है काउ को लेकर के गाय को लेकर के वापस यहाँ आ रही है। द फार्मर हुआ अफ्रेड ऑफ द टाइगर। वो किसान जो टाइगर से बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था डिड नॉट लाइक टू आइडिया टू गोइंग बैक एम्प्टी हैंडेड टू हिम। वो नहीं चाहता था कि उस टाइगर के सामने दोबारा से खाली हाथ वापस जाए। बट एज ही could think of no other plan, पर जैसा कि वो सोच सकता था कि उसके पास और कोई प्लान नहीं था, ही लेफ्ट फॉर द फील्ड, इसलिए वो खेतों की ओर चला गया। सो टुडे आज हम इतना ही करेंगे। कहाँ तक किया? फील्ड तक। ठीक है, निशान लगा लेना आप अपनी बुक में निशान लगा लेना फील्ड तक किया। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मंडे को। हिज वाइफ पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से करेंगे। सो प्लीज़ आप यहाँ तक इसको पढ़िए, समझिए लेसन को। अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क यू, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस।
दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. देर आर फर्स्ट टू क्वेश्चंस. अ डैश कम आउट इन द फार्मर. फार्मर के पास कौन आया? आई हैव अ फाइन फैट डैश एट होम. उसके घर पर एक अच्छी फैट की क्या चीज़ थी जो उसने टाइगर को कही? ठीक है, तो इन दो चीज़ों को, दो क्वेश्चंस को आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए. ओके ओके, थैंक यू, बाय.